किसान आंदोलन के संबंध में जो दो जनहित याचिकाएं दायर की गई थी उनकी आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान भारत सरकार की तरफ से हमने उनको बताया कि हमारे केंद्र के 3 मंत्री आज शाम को चंडीगढ़ आ रहे हैं और कल राजपुरा में किसान प्रतिनिधियों से बातचीत हुई थी, कुछ ऑफिसर्स भेजे गए थे और उस बातचीत के बाद आज सभी पक्ष बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। ये बैठक चंडीगढ़ में 5 बजे होगी और हमें पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई सार्थक नतीजा इसका निकलाएगा। दूसरी बात हमने जो कही है कि जो एक पटिशनर हैं उन्होंने एक पत्र यूएनए को लिखा था फॉर इंटरनेशनल इंटरवेंशन। हमने कहा कि किसी भी व्यक्ति को हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार के पास जाने का अधिकार है, लेकिन अगर आप विदेशों में इसको लेकर जाओगे तो वो देश के हित में नहीं है। इस पर कोर्ट ने उनसे कहा कि भाई ये उचित नहीं है और वकील साहब ने कहा कि भी मैं इस पर रिग्रेट करता हूँ, खेद व्यक्त करता हूँ और मैं अपनी जो चिट्ठी लिखी है यूएनओ को उसको मैं वापस ले रहा हूँ। पंजाब हरियाणा की तरफ से जो जो बॉर्डर पर संख्या है किसानों की, वाहनों की, जो जो कदम लिए जा रहे हैं उसके संबंध में जानकारी दी गई। हरियाणा का यह भी बताया गया कि कहाँ कहाँ पर विरोध के लिए स्थान निश्चित किए गए हैं। तो आज क्योंकि शाम को 5 बजे बैठक है और हमने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि चीज़ें सार्थक निकलेंगी और सही दिशा में जाएंगी, तो 5 बजे की मीटिंग या उसके बाद अगर एक दो बार और भी होने की नौबत होती है तो वो भी हो सकती है। अब मंगलवार को इस संबंध में जो भी यथास्थिति है उसकी जानकारी हाईकोर्ट को दी जाएगी। आपकी तरफ से भी एक रिपोर्ट फाइल की गई है? नहीं, हमने उनको जबानी दोनों बातें बताई हैं। हमने जो लेटर लिखा था यूएनओ को वो कॉपी कोर्ट को दिखाई और हमने जबानी तौर पर बताया भारत सरकार की तरफ से कि केंद्र सरकार बातचीत करके इसका समाधान निकालना चाहती है। हम किसी से भी बातचीत करने को तैयार हैं, हमें कोई संकोच नहीं है और इसी संदर्भ में आज शाम को 3 हमारे मंत्री किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे। अज ये जिहड़े रिस्पोंडेंट सीगे पंजाब, हरियाणा ते यूनियन, इन्हां सारयां ने रिप्लाई अपना स्टेटस फाइल किया आ ते स्टेटस च इन्हां ने कहा है भी असी मीटिंग करांगे 5 बजे द्वारा। असी साडा इह सी कि ऑन द वन हैंड एक एस्टैबलिश्ड लीगल प्रिंसीपल हुंदा आ, वन कैन नॉट एप्रोबेट एंड रैप्रोबेट एट द सेम टाइम। भी एक पासे तो यह मीटिंग कर रहे हैं, ऑन द अदर हैंड स्टेट ऑफ हरियाणा इज़ यूजिंग द एक्सैसिव एंड अनवरंटेड फोर्स ऑन द पीसफुल प्रोटेस्टर्स, वट मैसेज दे आर गिविंग टू द स्टेट और द पब्लिक जनरल पब्लिक दैट इफ़ यू ट्राई टू एक्सरसाइज योर फंडामेंटल राइट वी विल सप्रेस दिस बाय सच काइंड ऑफ फोर्स। तो ये असी अज असी यही आर्गूमेंट रेज की उहदे उत्ते बहस हो के उन्होंने कहा है भी असी शाम नूं 5 बजे इमीडिएटली सारे किसानां नाल मिल के बह के गल करांगे ते इह मैटर मंडे वास्ते रखा गया। हाँ जी, मैं सैक्रेटरी नहीं, मैनू तकरार नहीं लाई, एज ए ऑफिसर ऑफ कोर्ट मैनू कोर्ट ने ओपीनियन रखी है कि वी आर द कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट अंडर 226 अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी आर द कस्टोडियन एंड यू हैव अप्रोच द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी विच इज fully empowered to deal with the matter. So ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਐਜ਼ ਏ ਆਫਿਸਰ ਆਫ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਫ ਦਾ ਕੋਰਟ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਦਡਰੋ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫੇਥ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਓਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਅਤੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ।